अस्सलाम वालेकुम दोस्तों दोस्तों मेरा नाम बिलाल अदील है और आज फिर आपका दोस्त आपके लिए एक न्यू वीडियो लेकर आया है। दोस्तों अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन पर क्लिक कर दें ताकि मेरे आने वाले न्यू लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचते रहें। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि किस तरीके से हम अपना टच पैड जो है वो उसको हम ऑन कर सकते हैं यानी एनेबल कर सकते हैं। ये देखें कि हमारा टच पैड जो है वो काम नहीं कर रहा। ये देखें मैं आपको ये करके दिखा रहा हूँ। उसका मैं आपको एक वजह बता देता हूँ क्यों काम नहीं कर रहा। ये देखें टच पैड पर एक लाइट आपको नज़र आ रही होगी, ये जल रही है। इसका मतलब ये है कि आपका जो टच पैड है वो जो है अंदर से डिसेबल है। दोस्तों ये लाजमी नहीं है कि ये लाइट हर लैपटॉप के टच पैड पर हो। तो अक्सर जो लैपटॉप पर ये लाइट होती है और अक्सर लैपटॉप पर ये टच पैड पर लाइट नहीं होती, तो आपने इसको जो है इग्नोर करना है। और जो आपको मैं तरीका बता रहा हूँ अगर वो तरीका आप कर लेंगे तो आपका जो टच पैड है वो वर्क करना स्टार्ट कर देगा। तो उसको हमने एनेबल किस तरीके से करना है? एनेबल करने के लिए सबसे पहले आपको एक अपने सिस्टम के साथ एक्सटर्नल माउस जो है वो लगाना पड़ेगा, ठीक है। यूएसबी माउस आपने लगाना है अपने सिस्टम के साथ। उसके लिए दोस्तों आपने माउस के ज़रिए जो है सर्च में आना है, ठीक है। और सर्च में आपने जो है सर्च करना है टच पैड, या आपने इस तरह करना है कि आप जो है विंडोज 7 है आपके पास तो आपने जो है कंट्रोल पैनल में से जो है माउस एंड टच पैड का ऑप्शन आपने ओपन करना है, या आपके पास दोस्तों विंडो 8 है या विंडो 10 है तो आपने जो है सर्च में आना है। सर्च में आपने जो है वो सर्च करना है माउस एंड टच पैड, ठीक है। इसको आपने ऑप्शन को ओपन कर लेना है, ठीक है। ओपन करने के बाद माउस के ज़रिए आपने नीचे आना है। तो आपको दोस्तों नीचे एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा एडिशनल माउस ऑप्शंस, आपने इस पर जाना है। इसमें जाने के बाद आपको ये ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, ठीक है। टच पैड के ऑप्शन के अंदर आपको मिलेगा ये ऑप्शन, ठीक है, एनेबल और डिसेबल का, ठीक है। अगर तो आपका जो है ऑप्शन ये वाला सिलेक्ट हुआ हुआ है तो आपने जो है लास्ट वाले ऑप्शन को देखना है, ठीक है। जैसे आपने ये टैब सेलेक्ट करनी है टच पैड वाली, ठीक है, इस पर आने के बाद यहाँ से ऑप्शन आपने एनेबल कर देना है। जैसे ही आप एनेबल करेंगे तो आपका जो है जो सिस्टम के ऊपर यानी जो आपके टच पैड के ऊपर लाइट है वो ऑफ हो जाएगी। ये देखें मैंने जो है उसको एनेबल कर दिया और टच पैड पर जो लाइट है हमारी वो ऑफ हो चुकी है, ये आप देख सकते हैं। ये देखें जैसे मैं उसको डिसेबल करूँगा तो ये जो हमारी लाइट होगी वो ऑन हो जाएगी। ये देखें डिसेबल किया लाइट ऑन, एनेबल किया लाइट ऑफ, ठीक है। तो दोस्तों जैसे ही आपकी लाइट जो है वो ऑफ हो जाएगी इसका मतलब ये है कि आपका टच पैड जो है वो काम कर रहा है। ये देखें मैं आपको करके दिखाता हूँ, ये माउस मैं उतार देता हूँ। ये देखें ये आपका जो है टच पैड वो काम कर रहा है। तो दोस्तों हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और दुआओं में याद रखना और जो है अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।